कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है ये टेक्निक क्या काम आती है? डीएनए को सेपरेट करने के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या काम आ रही थी? डीएनए को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग टेक्निक। वो जो ब्लॉटिंग टेक्निक है वो हमारे क्या काम आ रही थी? वो डीएनए को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम में आ रही थी। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, दो टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो पीसीआर, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी टेक्निक है? पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देख लेते हैं पीसीआर क्या होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या होती है। देखो, पीसीआर का जो पूरा नाम है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है चेन रिएक्शन मतलब एक रिपीटेड साइकिल होगी। पॉलीमराइज क्या था? पॉलीमराइजेशन करना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को जोड़ते जाना। तो पीसीआर, इसका पूरा नाम याद रखना है हमें। पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका पूरा नाम क्या है पीसीआर का, तो हम क्या बताएंगे? पीसीआर का ना पूरा नाम होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अच्छा, तो ये टेक्निक क्या काम आती है? ये टेक्निक आती है हमारे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। यूज दिस टेक्निक टू मेक मल्टीपल कॉपीज। भाई, ये मल्टीपल कॉपीज किसकी बनाएगा? डीएनए की, थ्रू रिपीटेड साइकिल। ये रिपीटेड साइकिल के द्वारा क्या करता है कि मल्टीपल कॉपीज बना देता है। तो पीसीआर का काम क्या है? पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, तो सर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका पूरा नाम हो गया। ये टेक्निक क्या काम आती है? ये टेक्निक काम आती है हमारे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। तो ये टेक्निक क्या काम आती है? तो हम लिख देते हैं डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, डीएनए मल्टीपल कॉपीज। ये क्या काम आएगी? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगी। जैसे हमारे पास कोई डीएनए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास एक डीएनए आ गया जो हमारे किसी ना किसी काम का है, कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब ये एक डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। ठीक है, लाखों की संख्या में ये डीएनए हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? पीसीआर। इससे क्या होगा? बहुत ही कम समय में इसकी जो डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर इसको हमने आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम जो टेक्निक काम में लेंगे उस टेक्निक का नाम है पीसीआर। अब इससे बनाई कैसे जाती है मल्टीपल कॉपीज? देखो, इसके तीन स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? थ्री स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर के तीन स्टेप है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के कितने स्टेप है? तीन। कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट स्टेप होता है वो है डीनेचरिंग। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होता है वो है हमारे एनलिंग। और जो तीसरा स्टेप होता है वो है एक्सटेंडिंग। ठीक है, देखो, तीन स्टेप में ये पीसीआर कंप्लीट होगा। डीनेचरिंग में क्या होता है? देखो, जो डीएनए है हमारे पास, डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है डीएनए? वो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हमें क्या करना है? पहले इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसको सिंगल स्ट्रैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? हम हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे। किस पर? हाई टेम्परेचर में। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, इसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड से किस में बदल जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड में। तो पहला जो डीनेचरिंग जो होता है उसमें अंदर क्या करते हैं हम, इस डीएनए को होता है, इस डीएनए को हाई टेम्परेचर पर लेके जाया जाता है, जिससे हाई टेम्परेचर पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा पार्ट है एनलिंग। एनलिंग का मतलब होता है जोड़ना। आप सपोज करो हमारे पास ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गया है हमें, ठीक है, ऑप्टेन हो गया है।
हमने इसको डीनेचरिंग किया हाई टेम्परेचर पर, तो हमें ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब इससे एक नया डीएनए बनाना है हमें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हम क्या करते हैं इसके साथ एक छोटा सा डीएनए प्राइमर जोड़ते हैं नाउन सीक्वेंस का। किसका? ये डीएनए प्राइमर जोड़ दिया। अगर यहाँ ए टी सी है तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, जी ए टी। ये डीएनए प्राइमर इसके साथ हम जोड़ देते हैं। ये जो छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है डीएनए का, इस डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, डीएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? तो इसको डीएनए प्राइमर जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड से किस में बदल जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिर सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, एनालिंग। एनालिंग में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस काम में लेंगे। उस सीक्वेंस को, जो छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट है, उस फ्रेगमेंट को बोला जाता है डीएनए प्राइमर। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें डीएनए प्राइमर को इसके साथ अटैच करना है। अब हम चाहते हैं कि यार इसके आगे भी ये डीएनए बने, ठीक है, इसके आगे भी ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आगे ये जुड़ता जाए। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, इसमें हमें कोई ना कोई पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेना पड़ेगा, एंजाइम, ठीक है, वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को आगे सिंथेसिस करता जाएगा, जोड़ता जाएगा। तो इसके अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं, ठीक है, उस पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। देखो इसके इसमें सिंपली पॉलीमरेज एंजाइम काम में नहीं लिया जाता है, इसमें जो एंजाइम काम में लिया जाता है, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्यों काम में लिया जाता है, ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो देखो पीसीआर कितना सरल था, पॉलीमरेज, पूरा नाम क्या हो गया इसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा सर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका काम क्या है, ये डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के काम में आती है। अच्छा कैसे बनाएंगे सर, इसके स्टेप है, इसके तीन स्टेप है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप है, डीनेचरिंग, एनलिंग और एक्सटेंडिंग। डीनेचरिंग में क्या करते हैं सर, डीनेचरिंग में हम करते हैं कि इसको डीएनए को हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा सर एनलिंग में क्या होगा, एनलिंग में हम क्या करेंगे कि इसके साथ एक छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ा जाएगा, उस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, डीएनए प्राइमर कहा जाता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा डीएनए प्राइमर हमने जोड़ दिया। अच्छा सर फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग का मतलब ये आगे बढ़ेगा, अब ये इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो इसके साथ आके अटैच होते जाएंगे। तो इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस अटैच होंगे वो कौन से एंजाइम की हेल्प से होंगे, वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होंगे। तो हमें इस एंजाइम का भी नाम याद रखना है कि पीसीआर में कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है, उसका नाम बताइए। तो आपको बताना है टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि यार इसके ये काम क्या आते हैं, एक तो ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए की, और ये क्या काम आता है जीन थेरेपी में। अब इसका वर्क, इसका यूज़ क्या है, एक तो मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है, एक तो क्या बनेगा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्या काम आता है डीएनए के मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। ये काम आता है हमारे क्रिमिनल साइंस में, जेनेटिक डिसऑर्डर में, क्रिमिनल साइंस में इसका यूज़ होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में इसका यूज़ होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना है, अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना है तो भी हम यही टेक्निक काम में लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी मल्टीपल इसकी कॉपीज बना लेंगे, ठीक है। तो ये इसके काम है। तो देखो पीसीआर आपको समझ में आ गया होगा, क्यूक रिविजन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, तीन स्टेप में है, डीनेचरिंग, एनलिंग और एक्सटेंडिंग। डीनेचर में क्या किया, हाई टेम्परेचर पर डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बदल दिया। एनलिंग में क्या किया, हमने छोटा सा डीएनए प्राइमर आके इसके साथ अटैच किया। एक्सटेंडिंग में क्या किया, अब इस पॉलीमरेज को आगे बढ़ा, सॉरी, इस डीएनए को आगे बढ़ाना है, तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस जोड़ने का काम कौन करेगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो याद रखना कि एंजाइम कौन सा काम लिया जाता है, टैग पॉलीमरेज। अब इसके यूज़ और भी बहुत सारे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए क्रिमिनल साइंस में या जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर का पता लगाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये हो गई पीसीआर के बारे में। अब हम जो सेकेंड बात करने वाले हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए फिंगर
प्रिंटिंग, नाम सबने सुन रखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं वैसे ही डीएनए भी में भी कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो सबके लिए अलग होते हैं, ठीक है। नाम हमने सुना है कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में इसका यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, अगर कोई बच्चे को लेके पेरेंटल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो भी इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक ऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका भी अगर हमें पता लगाना है, ठीक है, तो भी इसका यूज़ किया जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो डेवलप किसने की थी, डेवलप्ड बाई अलेक जेफरी ने, किसने की थी ये, अलेक जेफरी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लग जो सबका डीएनए है, तो हमारा जैसे डीएनए है, ठीक है, हमारी स्पीसीज के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका लगभग जो हमारा डीएनए होता है वो 99.9% सबका सिमिलर होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए सबका कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो फिर डिफरेंस कहाँ, 0.1% डीएनए ऐसा होता है जो डिफर होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग मिलेगा। मेरा कम से कम 0.1% डीएनए है, वो आपके 0.1% डीएनए से अलग होगा, और लगभग हमारा सबका डीएनए क्या होगा, 90.9% डीएनए हमारा सबका सेम है, आपका और मेरा 99.9% डीएनए सेम है, लेकिन 0.1% डीएनए ऐसा है, ठीक है, जो डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफर है, उस डीएनए पार्ट को क्या बोलते हैं, वो डीएनए पार्ट जो डिफर है, ठीक है, डिफरेंट है, उसको बोला जाता है VNTR, क्या बोला जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, उसका पूरा नाम क्या हो गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब देखो होगा क्या, जैसे ये मेरा सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, ये मेरा डीएनए का सीक्वेंस है, तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा पार्ट आएगा जो बार बार रिपीट होगा, जैसे CTG, ऐसा, तो ये बार बार जो रिपीटेड सीक्वेंस आ रहा है CTG, इस रिपीटेड सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, VNTR, क्या बोला जाता है, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, बार बार ये रिपीट होगा, और ये जो रिपीट हो रहा है सीक्वेंस यही सब में अलग अलग होता है, सब में सेम तरीके से सीक्वेंस रिपीट नहीं होता है, और इसी डीएनए वाले पार्ट को, बाकी के डीएनए पार्ट तो सेम है, सपोज ये आगे और जा रहा है तो बाकी का वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो लगभग ये कितना होता है, 20 बेस पेयर से लेके लगभग 100 बेस पेयर तक ये टेंडम रिपीट पाया जाता है। ये जो सीक्वेंस होता है डीएनए का जो रिपीटेड है और ये जो सब में अलग अलग है, इसी का हम यूज़ करते हैं इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। तो समझ में आया, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 99% तो सबका डीएनए सेम है, लेकिन जो 0.1% होता है वो डिफरेंट होता है डीएनए, और उस डिफरेंट डीएनए पार्ट को क्या बोलते हैं हम, VNTR, और VNTR का पूरा नाम क्या हो गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और ये जो सीक्वेंस होता है वो एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है, जैसे CTG, ये एक रिपीटेड सीक्वेंस हो गया। सपोज करो मेरे अंदर ये है तो आपके अंदर कोई और हो सकता है, जैसे आपके अंदर हो सकता है कि ये रिपीटेड सीक्वेंस कुछ और हो, आपके अंदर हो सकता है GTA हो, ऐसा रिपीटेड, तो ये सबके लिए जो सीक्वेंस होता है ये अलग अलग होता है, और इसी सीक्वेंस का हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। तो यूज़ क्या किया जाता है इसमें, VNTR, क्या यूज़ किया जाता है, VNTR, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, अब इसमें होता क्या है, जैसे डीएनए ले लिया हमने, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना है, जैसे सपोज करो ये कोई ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है बी, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है वो हमने ले लिया ATC, ठीक है, और इसका ले लिया हमने GCT, ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो होगा क्या, अब हमें सस्पेक्टेड है कोई पर्सन कि यार कहीं पर क्राइम हुआ था, कहीं पर क्या हुआ था, क्राइम, ठीक है, कहीं क्राइम हुआ था प्लेस पर, तो वहाँ पर जो CBI एक्सपर्ट होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ भी मिल जाए वहाँ से, सेल मिल जाए, हेयर मिल जाए, ठीक है, कुछ भी टिश्यू मिल जाए, उसको कुछ भी पार्ट मिल जाए हमें,
तो वो सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो क्राइम सीन से हमें कुछ सैंपल हमने कलेक्ट किए, ठीक है, वो सेल कुछ भी सेल हो सकता है, हेयर टिश्यू कुछ भी, हम उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें सस्पेक्टेड पर्सन है कि इसका शायद मर्डर हुआ था वहाँ, किसी ये पर्सन सी का मर्डर हुआ था, ठीक है, अब वहाँ से हमें ये सैंपल मिल गया है। अब जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है, अब ये मर्डर करा किसने ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, वो सैंपल है उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन इंजाइम से कट करेंगे, ठीक है, फिर उसका भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। आपको पता ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करा जाता है, अलग अलग डीएनए जो स्ट्रैंड है उनको अलग अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो इनसे जो डीएनए मिला है उनको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर वही सोर्थन ब्लोटिंग कर लिया, ब्लोटिंग हमने कर ली, ठीक है, ऐसे करके हमने उसको पेपर पर ले लिया है और उसको आइडेंटिफाई किया। अब ऐसे करेंगे इसका भी हम वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेने वाले हैं। सपोज करो इसका जो सीक्वेंस आ रहा था वो आ रहा था हमारे ये ए टी सी ए टी सी, तो इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस दोनों का मैच कर जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सेम काट रहे हैं तो ये तो अलग से काटेगा। सपोज करो कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो टी और सी के बीच में काटता है, टी और सी के बीच में काटता है, तो यहाँ पर तो सपोज करो ये यहाँ है सी आ गया, तो यहाँ से तो ये काटेगा यहाँ, फिर यहाँ से ये काटेगा यहाँ से, जबकि यहाँ पर ये टी और सी के बीच में काट रहा है तो यहाँ से काटेगा, इसको भी यहीं से काटेगा, टी और सी के बीच में से ही काटेगा, तो दोनों के क्या होगा, देखो सीक्वेंस सेम आ जाएंगे, ए का और सी जहाँ पर इसका मर्डर हुआ था, जहाँ से हमें टिश्यू मिले थे कुछ भी, ठीक है, सैंपल कलेक्ट किए थे, उसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस ए का सीक्वेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो जो क्राइम किया था वो किसने किया था, सस्पेक्टेड पर्सन था वो कौन था, ए था, और ये बी बच जाएगा। तो इस तरीके से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ में लिया जाता है, और भी इसके यूज़ है, जैसे क्राइम साइंस में हो गया, ठीक है, और अगर फैमिली में बच्चे को लेकर कोई डिस्प्यूट है पेरेंट्स में तो उसको भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सोल्व कर दिया जाता है। अगर पेरेंट्स के डीएनए फिंगरप्रिंट अगर बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच कर रहे हैं, ठीक है, हल्का सा मैच करेगा पर करेगा, ठीक है, तो मैच कर रहा है, ठीक है, उसके आसपास सीक्वेंस मैच कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरीके से यूज़ में ली जाती है। तो समझ में आ गया होगा, आज हमने पढ़ा पीसीआर और एक टेक्निक पढ़ी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, इसका पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डीएनए फिंगरप्रिंट डेवलप किसने किया था, अलेक जेफरी ने, याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।